हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है वेबकोड चैनल पे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जो है यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय वाला फ्रेम बनाएंगे और उसके अंदर मतलब एक टेम्पलेट बनाएंगे और उसके अंदर सारी जो एम्प्लॉय के डिटेल्स हैं वो हम शो कराएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट पे वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नीचे सबसे एंड में जाके एक फंक्शन बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एफ डेफ सर्च करता हूँ और ये लिखे एड अपडेट पे आ गया कैलकुलेट और चेक कनेक्शन। तो हम क्या करते हैं, सबसे नीचे चेक कनेक्शन के बाद यहाँ पे सबसे एंड में एक फंक्शन बनाते हैं डेफ और यहाँ पर हम बनाते हैं एम्प्लॉय फ्रेम और इस फंक्शन में हम सेल्फ पास करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दोबारा से एक विंडो बनाएंगे। तो विंडो बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर ये जो है ना, हमने सेल्फ रूट इस पूरे पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ और बटन को छोड़ के टाइटल तक और फिर से एंड में चल जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं करता हूँ इसको पेस्ट। और इस बार ये हो जाएगा रूट, यहाँ पर हम कर देते हैं टीके डिफाइन दोबारा से एक न्यू और ये हो जाएगा रूट टू, रूट टू कर देंगे और फिर हम करेंगे यहाँ पे भी रूट टू आ जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट रूट टू जो है उसको हम कर देंगे मेन लूप से क्लोज और इस फंक्शन को हम करते हैं कॉपी। और यहाँ पर मैं यार इसकी जो विड्थ है ना वो भी थोड़ी कम कर देता हूँ, तो इसकी विड्थ मैं जो है 900 कर देता हूँ और हाइट जो है वो मैं 500 कर देता हूँ। और कहाँ से स्टार्ट हो, ये जो है 100 से स्टार्ट हो, वाई जो है वो भी 100 से हो या फिर हम 60 से कर लेते हैं। और इस फंक्शन को हम करते हैं कॉल, तो कंट्रोल एफ और यहाँ पे बटन पे जाता हूँ तो यहाँ पे एम्प्लॉय आ गया और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कमांड की हेल्प से इस फंक्शन को करते हैं कॉल और देखते हैं कि हमारे पास बन के क्या आ रहा है आउटपुट। अब हम करते हैं रन, तो ये देखिए, अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास यार एक और विंडो बन के आ रही है टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही बन के आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी और नीचे करते हैं इसको, हम क्या करते हैं, इसको करते हैं क्लोज और इसको भी करते हैं क्लोज, सबसे नीचे जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेल्फ पास कर देंगे, सेल्फ डॉट रूट पास कर देंगे ताकि ये पेरेंट वाला रूट बन जाए। और एक बार मैं दोबारा रन करता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ कि जो मैंने लॉजिक सोचा था अभी एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ना इसको इसको डिफाइन कर देते हैं टॉप लेवल ताकि जब हम अपना मेन विंडो क्लोज करें तो ये भी हमारा क्लोज हो जाए। और अब हम करते हैं रन और यहाँ पे हम जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास आ गया। और अब अगर मैं क्लोज करूँ तो ये देखिए हमारी साथ में वो दूसरी विंडो भी क्लोज होगी, तो ये लॉजिक लगाना था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी जो है यहाँ पे 120 कर देते हैं और हाइट मतलब विड्थ जो है हम इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं 1000 कर देते हैं और करते हैं रन और ये देखिए तो ये बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सा हमें और नीचे करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ यहाँ पे वाई जो है, ओके एक्स जो है मैं वो बढ़ाता था तो वाई मुझे यहाँ पे 80 कर लेना चाहिए और करता हूँ मैं रन, देखते हैं। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल सही लग रहा है, हम थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो यार मैं क्या करता हूँ ना इसको 100 ही कर लेता हूँ। और जब भी हम इसको रन करें तो यार इस पर ना जो हाईलाइट नहीं हो रहा, तो हम उसको क्या करेंगे, सेल्फ डॉट रूट टू जो है इसको हम कर देंगे फोकस फोर्स कर देंगे जिससे जो है इस पर फोकस होने लग जाएगा और करते हैं क्लिक। तो ये देखिए अब हमारा ये हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे एम्प्लॉय डिटेल्स। मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा एम्प्लॉय डिटेल्स, ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स कर दूंगा और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर जो है एज इट इज ही रहने देते हैं, वाइट बिल्कुल सही है और देखते हैं रन करके। तो ये देखिए बिल्कुल सही लग रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्री व्यू बनाएंगे जिसमें हमारे सारा जो है एम्प्लॉय का डिटेल वो बस शो हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मेन लूप से ऊपर सेल्फ डॉट, हम क्या करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय ट्री कर, एम्प्लॉय ट्री डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे टी टी के। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा एक लाइब्रेरी को। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे फ्रॉम टीक इंटर इम्पोर्ट टी टी के कर दूंगा, जिससे क्या होगा हमारे पास एक ट्री व्यू आ जाएगा जिसमें हम अपने सारे डिटेल्स को शो कर सकते हैं, टी टी के डॉट ट्री व्यू। और यहाँ पर ये कहाँ पर होगा, ये होगा सेल्फ डॉट रूट टू में
और इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम्स बनाने होंगे। तो अब ये कॉलम्स कौन से होंगे, तो ये कॉलम्स कौन से होंगे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना जो ये कॉलम्स, यही कॉलम्स होंगे। तो हम क्या करते हैं अपने एसक्यूएल में जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार्ट करेंगे और ये जो भी कॉलम्स हैं इन कॉलम्स को हम फैच करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट से छोड़ के यहाँ पे जाता हूँ, फ्रॉम ईएमपी सैलरी या फिर फ्रॉम ईएमपी सैलरी से छोड़ के यहाँ पे मैं जो है सैलरी रिसिप्ट, इसको मैं करता हूँ कॉपी और जाता हूँ कोड में और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो भी, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको दोबारा से डिलीट कर देता हूँ और ये जो है इनको टिल्ट को मैं कर देता हूँ रिप्लेस सिंगल कोमा से, तो इस तरीके से मैंने रिप्लेस कर दिया। तो नीचे जाता हूँ, तो मैंने क्या किया, सिंपल यार कॉलम्स में ना ये कॉलम्स डिफाइन कर दिए। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम यहाँ पे हेडिंग्स डिफाइन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉय और यहाँ पे ट्री कर देता हूँ और डॉट लिखता हूँ हेडिंग। तो ये देखिए हेडिंग आ गया। अब इस हेडिंग में हमें क्या होता है, कॉलम नेम डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कॉलम नेम जो है, ये जो हमने पहले बनाया है, यहाँ पे हम इसकी हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ई आई डी है और इसका जो है हम नेम क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ और इसका नेम मैं रखना चाहता हूँ ई आई डी, स्पेस भी देख के आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ई आई डी एज इट इज लिख देता हूँ और इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी आईडीज चाहिए होंगी, मतलब आईडीज तो नहीं कह सकते, हमारे पास जितने भी ये कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब आ गया डेजिग्नेशन, तो मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन रिप्लेस कर देता हूँ और नेम, ओके कंट्रोल सी और फिर यहाँ पे नेम, देन एज और उसके बाद जेंडर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन कर देंगे, देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेम और फिर आ जाएगा यहाँ पे एज और जेंडर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारे कॉलम्स को यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे हमने जो कॉलम्स बनाए थे ना वहां से फैच किए थे डेटाबेस से, ये सारे कॉलम सीक्वेंस ऑर्डर में ही आप फैच करके यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आप वहाँ पे टाइटल देना चाहते हैं वो आप दे देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सारे कॉलम्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग उसके हेडिंग्स दे देता हूँ। तो फ्रेंड मैंने क्या किया, यहाँ पर सारी जो हेडिंग्स हैं एक बार डाल ली हैं और यहाँ पे आपको एक बार दिखा दूँ स्क्रॉल करके नीचे। तो यहाँ पे आप देखिए सारी जो है सीक्वेंस ऑर्डर, उसी सीक्वेंस ऑर्डर में रखी है जैसे हमने वहां से फैच किया था अपने डेटाबेस में से, और यहाँ पे जो कॉलम्स में है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस ऑर्डर में आप जो है अपने हेडिंग्स को रख सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस ऑर्डर चेंज भी करना चाहते हैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। बट ये जो है जितनी कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन होनी चाहिए उतनी कॉलम्स की हेडिंग यहाँ पे होनी चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मुझे हेडिंग शो करानी है अपने यूजर को सॉफ्टवेयर में, तो वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारी हेडिंग शो करा दी। अब यहाँ पर आप हेडिंग शो कराने के बाद आप क्या करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय जाएंगे और यहाँ पे ट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे शो और यहाँ पर आप क्या करेंगे, हेडिंग्स पे ऐसे हेडिंग्स पास कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी, तो जब आप ये यहाँ पे आप मतलब फर्दर पूरा कोड आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक स्टार्टिंग में हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ब्लैंक कॉलम आ जाएगा जो काफी ऑकवर्ड लगता है, तो कोई नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। और अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पूरे होल को हेडिंग को कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे और दोबारा से ये जो हमने एम्प्लॉय ट्री शो हेडिंग के बाद यहाँ पे आप कर देंगे पेस्ट। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप चेक कीजिए, शो के बाद ये जो हेडिंग्स है ना इनको आप रिप्लेस कर दीजिए, कंट्रोल एच रिप्लेस कीजिए, किससे, इसको आप रिप्लेस कीजिए कॉलम से। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सभी को रिप्लेस, तो बहुत सारे हैं इसलिए मैंने कहा पहले आप हेडिंग लिख लीजिए। तो यहाँ पे यार हेडिंग में दोबारा ही चला गया। तो इस तरीके से हमने जो है सारी जगह कॉलम जो है नीचे तक रिप्लेस कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने टेक्स्ट है ना इसको हम कर देंगे सभी को डिलीट। तो इसको डिलीट करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसकी विड्थ डिफाइन करूंगा और विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं विड्थ जो है इसकी इनिशियल में कर देता हूँ 10। और इस तरीके से आप जितनी विड्थ रखना चाहते हैं उतनी आप रख सकते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे सारी विड्थ डिफाइन कर लेता हूँ जितनी मुझे चाहिए होंगी। तो फिर मैंने क्या किया, सभी को कॉलम्स में डिफाइन कर दिया और यहाँ पे विड्थ भी सेट कर लिया, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया यार, हेडिंग को कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स को रिप्लेस कर दिया और देन यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे थे ना उसको हमने विड्थ में कन्वर्ट कर दिया। तो आप जितनी विड्थ देना चाहते हैं आप उतनी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी विड्थ को दे दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे एंड में जाऊंगा, सेल्फ डॉट रूट जो है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ट्री जो है उसको मैं कर दूंगा पैक और यहाँ पर मैं पैक में इसको मैं कर दूंगा फिल बोथ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपेंड भी कर देंगे 1
और एक बार हम देखते हैं इसको रन करके कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो ये देखिए हमारे पास कुछ यार ऐसा बना होगा, ठीक है। तो जैसा जैसा मैंने यहाँ पे दिया, तो एक्सपीरियंस मेरे को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए था, तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मैंने 50 वगैरह दे दिए। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको यार 100 100 ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और जहाँ पे मैंने 50 दिया ना, उसको मैं 100 कर लेता हूँ कन्वर्ट। फ्रेंड मैंने क्या किया यार, सभी को 100 से कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है अपने विड्थ को यार ऐसे कन्फिगर करके देख सकते हैं कि हाँ भी आपके विड्थ कैसे छोड़े। तो अब अगर यहाँ पे मैं रन करूँ और जाता हूँ ऑल इम्प्लॉयज में, तो ये देखिए यार अब बिल्कुल सही लग रहा है। तो अब आप देखेंगे यार, अगर मान लीजिए डेटा जो है बहुत सारा हो, तो यार उसको शो कराने के लिए यहाँ पे किसी भी तरह का स्क्रोल बार नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास जो हेडिंग थी वो भी हट गई है। तो मैं क्या करता हूँ, उस हेडिंग को भी लेके आता हूँ और इसके यहाँ पे यार स्क्रोल बार भी सेट करता हूँ। मैं करता हूँ इसको क्लोज, और यहाँ पे जाता हूँ सबसे ऊपर जो हमने हेडिंग दी थी ना, ये जो हमने यहाँ पे हेडिंग दी थी, इसको हम यार प्लेस की जगह हम क्या कर देंगे, इसको पैक कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, इसको पैक कर देंगे, और यहाँ पे इसकी साइड जो है वो हम कर देंगे टॉप, और फिल हम कर देंगे इसको एक्स, फिल हम कर देंगे एक्स। और अब अगर हम इसको रन करें, तो अब आप देखना यहाँ पे, तो ये देखिए हमारे यहाँ पे टॉप पे हेडिंग आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास ये भी आ रहा है। तो स्क्रोल बार भी हमने लगाना है, तो स्क्रोल बार के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सबसे ऊपर, पहले यहाँ पे स्क्रोल वाई डिफाइन करेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास स्क्रोल बार। और ये कहाँ पर होगा, ये होगा मेरे सेल्फ डॉट रूट टू में, और इसकी ओरिएंट हम सेट करेंगे, ओरिएंट हम कर देंगे इसको वर्टिकल, क्योंकि हमारे पास ये वाई जाएगा। और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे स्क्रोल एक्स, और इसकी ओरिएंट सेट कर देंगे हम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। और इसी तरीके से हम जो है इसको यार पैक, और मतलब पैक भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे पैक करता हूँ, और पहले मैं एक्स को पैक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं साइड दे दूंगा इसकी बॉटम, तो यहाँ पे मुझे बॉटम लिखना था, तो बॉटम कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ इसको एक्स एक्सिस में, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और ये हो जाएगा वाई, और यहाँ पे बॉटम की जगह ये हो जाएगा मेरे राइट साइड। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे वाई, और एक बार हम करते हैं इसको रन और देखते हैं कैसा आता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो ये देखिए हमारे पास यार यहाँ पे स्क्रोल बार लगे हुए हैं, ठीक है। अभी ये एक्टिव नहीं है, तो इनको हम कर लेते हैं एक्टिव। तो मैं क्या करता हूँ एक्टिव करने के लिए, यहाँ पर क्या करूंगा, इस कॉलम्स के बाद एक कोमा डालूंगा और कर दूंगा यहाँ पे वाई स्क्रोल कमांड, और इसमें क्या सेट करूंगा, इसमें सेट करूंगा स्क्रोल जो वाई है उसको मैं कर दूंगा सेट, और इसी तरीके से कोमा दूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एक्स स्क्रोल कमांड, और यहाँ पर मैं कर दूंगा स्क्रोल स्क्रोल एक्स डॉट सेट कर दूंगा। और सेट होने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो पैक है ना, पैक यहाँ पर, पैक से पहले मैं यहाँ पर कन्फिग कर दूंगा दोबारा से अपने स्क्रोल एक्स को, कन्फिग कर दूंगा यहाँ पे, मैं कन्फिग कर दूंगा इसके कमांड में। कमांड में मैं क्या करूंगा, ये जो सेल्फ ट्री हमने बनाया ना एम्प्लॉय ट्री, इसको हम करेंगे डॉट एक्स को हम कर देंगे एक्स व्यू, और यहाँ पे दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको वाई, क्योंकि ये जो हो जाएगा हमारे वाई के लिए होगा, तो हम कर देंगे स्क्रोल वाई को वाई व्यू। और अब अगर मैं इसको रन करूं, तो अब आप देखना यहाँ पे हम जाते हैं ऑल एम्प्लॉय पे, और अब आप देखिए ये देखिए हम जो है स्क्रोल करके देख सकते हैं हमने जो भी डेटा यहाँ पे शो करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कन्वेंस के लिए काफी ज्यादा ही बड़ा हो गया है, तो कन्वेंस यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, कोई बात नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ सारी डिटेल सही है। तो कन्वेंस के लिए हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, इतनी विड्थ नहीं चाहिए, तो मैं देख लेता हूँ कन्वेंस जो है यहाँ पे मैंने 100 देना है, और यहाँ पे जो हमारे पास एड्रेस होगा उसको हम कर देंगे 500। तो अब हम अगर इसको रन करें और देखें, तो बिल्कुल ही सही लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है जैसा हमें चाहिए। ये देखिए स्टेटस, उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं, तो ये देखिए एड्रेस के लिए हमारे पास काफी लेंथ ही आ गया है, और बिल्कुल सही है। तो अभी आप देखेंगे कि यह डेटा नहीं शो हो रहा है, तो डेटा शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ना यहाँ पर ही हम ऊपर जाते हैं सबसे, और जहाँ पे चेक कनेक्शन है ना इस वाले को हम कॉल करते हैं, ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और नीचे जाते हैं, और यहाँ पे मेन लूप के ऊपर ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ट्राई और एक्सेप्ट को कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट स्टाफ रो एम्प्लॉय सही है, और इफ रो, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, या फिर हम क्या करते हैं यार, ये जो है ना सारा कुछ ही हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं, और यहाँ पे हमने जो ये फंक्शन बनाया ना चेक वाला, चेक कनेक्शन, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे पूरे फंक्शन को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे कर देंगे शो, जिससे हो जाएगा कि यार ये इम्प्लॉय को शो कर रहा है, ठीक है। सिलेक्ट स्टाफ और इम्प्लॉय बिल्कुल सही है, फेच ऑल सही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट को कमेंट कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे सेल्फ डॉट जो ट्री है, सेल्फ डॉट ट्री, तो यहाँ पे हमारे पास आना था इम्प्लॉय ट्री, तो इम्प्लॉय ट्री जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे डिलीट। अब ये डिलीट क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, इसके सारे जो है स्टार के थ्रू हम डिफाइन कर देंगे जो भी इसके चाइल्ड एलिमेंट्स है ना, मतलब ये जो है सेल्फ डॉट इम्प्लॉय ट्री दोबारा जो हम डिफाइन करेंगे, और इसको हम कर देंगे जो भी आपके चाइल्ड एलिमेंट है ना गेट चाइल्ड, इसको हम गेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट्स को डिलीट कर देंगे गेट करके, और फिर हम चलाएंगे फोर, एक लूप चलाएंगे फोर आई इन, या फिर हम क्या करते हैं फोर रो इन रोज, और फिर हम क्या करेंगे सेल्फ डॉट इम्प्लॉय ट्री डॉट इंसर्ट करेंगे, और इनिशियल में हम छोड़ देंगे ब्लैंक, और देन यहाँ पे हमें इंडेक्स देना होगा, इंडेक्स हमारे पास हो जाएगा एंड, और फिर हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज देनी होंगी, तो वैल्यूज में हमारे पास आ जाएगी रो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वैल्यूज से डिफाइन कर देता हूँ कि भाई ये जो है सारी वैल्यूज होंगी जो भी इसमें रो में होंगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे एंड में जाएंगे और सेल्फ डॉट कौन को, या फिर मतलब कौन को हम कर देंगे जो कनेक्शन क्रिएट किया था उसको हम कर देंगे क्लोज, और इस फंक्शन को हम हर वक्त कॉल करेंगे जब भी हम अपने एम्प्लॉय फ्रेम को बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे नीचे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा सेल्फ डॉट शो को कॉल कर लूंगा, और अब आप देखना अगर हम करते हैं रन और यहाँ पे हम जाते हैं, तो ये देखें हमारे पास अभी एक ही डेटा है, तो इस तरीके से इसने जो है सारे डेटा को फैच कर लिया एग्जैक्ट बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास एड्रेस तो आई थिंक नहीं है, तो एड्रेस में भी आई थिंक हमने 12 ही लिखा था, हमने कुछ भी अपडेट नहीं किया था, तो ये देखिए बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक बार मैं अगर चेक करूँ 101 सर्च, तो ये देखिए बिल्कुल सही है, हमारे पास एड्रेस में हमने 12 लिखा था। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे एम्प्लॉय को देखा फैच करके कि यहाँ पे डेटा कैसे होगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोड डेटा को ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ क्लियर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 102, और यहाँ पे अभी मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ, तो आप जो है वैलिड डेटा डाल लेना अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मंथ मैं डाल देता हूँ, और कैलकुलेट करते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, और जाते हैं ऑल इम्प्लॉय पे, तो ये देखिए इस बार हमारे पास 2 डेटा आ गए हैं, ठीक है, और ऑल इम्प्लॉय डिटेल्स आ रहा है बिल्कुल सही है हमारे पास, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि यार हम जो है अपने न्यू विंडो कैसे बनाएंगे, और उसके अंदर हम जो है अपने इम्प्लॉय का डिटेल्स कैसे शो कराएंगे। अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है यार ये प्रिंट वाला, तो प्रिंट पे हम वर्क कर लेते हैं। फ्रेंड प्रिंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे सबसे एंड में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको प्रिंट, ठीक है, और इसमें हम सेल्फ को पास कर देंगे, और सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम एक और मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर इम्पोर्ट ओएस करेंगे, और इसी के साथ हम क्या करेंगे कोड फाइल को इम्पोर्ट करेंगे, ये होगा हमारे टेम्पो फाइल। तो ये टेम्प फाइल हमें क्यों जरूरत पड़ेगी मैं आपको नीचे बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे सबसे एंड में चलेंगे अपने प्रिंट फंक्शन में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एक टेम्परेरी फाइल बनाएंगे, हम क्या करेंगे फाइल अंडरस्कोर टीएमपी, हमने जो इम्पोर्ट किया था टीएमपी फाइल, इसके थ्रू हम क्या करेंगे एक टेम्परेरी फाइल बनाएंगे, और ये किस तरीके का फाइल होगा, ये होगा डॉट टीएक्सटी। और अब हम क्या एक और फाइल ओपन करेंगे, और ये जो हमने टेम्परेरी फाइल बनाया उसी के नेम से इसको हम राइट मोड में ओपन करेंगे, देन इसके अंदर हम राइट करेंगे। अब हम राइट क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सेल्फ डॉट टीएक्सटी, हमारे पास जो भी सैलरी रिसिप्ट है ना उसके डेटा को हम गेट कर लेंगे, और गेट में हम 1.0 से लेके एंड तक कर लेते हैं, और देन हम ओएस डॉट स्टार्ट करेंगे फाइल को जो हमने स्टार्टिंग में ऊपर इंपोर्ट किया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ओएस इंपोर्ट किया था, उसकी हेल्प से हम जो है अपने स्टार्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा फाइल का नेम देना पड़ेगा, तो यहाँ पर पाथ देना होगा। तो जैसा कि हम जो है फाइल फाइल के नेम से ही बना रहे हैं, टेम्परेरी फाइल बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे फाइल पास कर देंगे, और उसके बाद हमें कमांड देना होगा कि यार हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, बस इतना सा ही हमें करना है, और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे इस प्रिंट फंक्शन को अपने जो प्रिंट बटन है ना उस पर हम कॉल करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे बटन प्रिंट सर्च, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कमांड में हम क्या करेंगे सेल्फ डॉट प्रिंट को कॉल कर लेंगे, दैट्स इट। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देखिए अभी अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास एक फाइल ओपन हुई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कैनन का जो प्रिंटर अभी मैंने अटैच नहीं किया है, तो यहाँ पे आ गया है कि या तो आप कैंसिल कर सकते हैं या फिर आप प्रिंट क्यू में चल सकते हैं। तो यहाँ पे इसने मुझे एक एरर शो कर दिया,
तो अभी मेरे पास प्रिंटर जो है उसमें कुछ इश्यूज हैं, तो मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करूँगा। बाकी आपके पास अगर प्रिंटर होगा तो आपका प्रिंटर जो है बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छे से प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको करता हूँ कैंसिल और यहाँ से क्रॉस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे यार इसने इसी फाइल को फेच कर लिया, बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब यूजर जो है सर्च करे ना और यहाँ पे सर्च करे और उसका जो भी डेटा हो वो बस प्रिंट हो, ना कि कुछ भी यहाँ पे हमारा जो सैंपल है वो ना प्रिंट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टॉप पर या फिर हम चल जाते हैं कंट्रोल या फिर सबसे नीचे हम जाते हैं अपने प्रिंट बटन पर ही, और यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ सेल्फ डॉट वैट EMP कोड डॉट गेट, या फिर इसको हम क्या करें डिलीट करते हैं, क्योंकि यार अगर वहां पे कुछ भी यूजर ने डाल दिया तो भी वो वर्क करेगा ही। तो हम क्या करते हैं इस प्रिंट बटन पे जाते हैं कंट्रोल एफ BTN प्रिंट, और इसको हम सेल्फ में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको सेकंड लाइन में ले आते हैं सेल्फ डॉट BTN प्रिंट, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब हम चल जाते हैं क्लियर पे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे जैसा हमने ये डिलीट बटन पे डिसेबल किया था ना इसको भी हम कन्फिग कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ सिंपल इस कन्फिग को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जाता हूँ जैसे ही हमारे पास सर्च हो जाए ना कंट्रोल एफ सर्च, तो यहाँ पर ये सर्च वाला है। तो जैसे ही हमारे पास सर्च हो जाए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको पेस्ट करके इसको कर देंगे नॉर्मल। तो यहाँ पे हमने जो है नॉर्मल पे क्लिक कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। तो एक और जगह है हमारे पास जब हम ऐड कर लेते हैं डेटा को, तो यहाँ पर हमारे पास ऐड वाला है। तो ये देखिए ऐड के वक्त जब हमारे पास सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए ये नॉर्मल हो जाना चाहिए बटन, और देन हम क्या करेंगे कंट्रोल एफ क्लियर फंक्शन में चल जाएंगे। हम क्लियर फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर मैं डेफ क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम जो है प्रिंट को हमने डिजेबल कर लिया था, चलिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब अगर हम इसको रन करें तो अभी जो है हम इनिशियल में यार इसको जो है डिजेबल करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बटन प्रिंट पे जाऊँगा और यहाँ पे इसकी स्टेट को जो है डिफाइन कर दूंगा, स्टेट इसको मैं कर दूंगा डिजेबल्ड, और करता हूँ अब रन। तो अभी आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है प्रिंट एक्टिव नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 101 सर्च, तो ये देखिए प्रिंट एक्टिव हो गया और यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखिए डेटा जो है यहाँ पे हमारे पास फिर से आ गया ऑप्शन, तो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। तो इस तरीके से अब अगर मैं क्लियर करूँ तो ये देखिए हाइड हो गया। तो आप क्या करेंगे हमारे पास यहाँ पे ये देखिए सारा डेटा भी आ गया बिल्कुल परफेक्ट। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो हमें नीचे प्रिंट के आ रहे हैं तो जहाँ पर भी आपको कंट्रोल एफ करके प्रिंट आप देखिए सर्च कीजिए, जहाँ जहाँ आपके पास प्रिंट हो रहे हैं रोज उसको आप कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर भी हो रहा है कंट्रोल एफ, और यहाँ पर भी इसको भी आप कमेंट कर दीजिए। तो आई थिंक अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपका फ्रेंड ये जो पूरा प्रोजेक्ट है बिल्कुल कम्प्लीटली बन गया है। यहाँ पे आप देखिए आप ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये अच्छा लगा होगा, और आप चाहें इसकी प्लेसिंग जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें आप जो है लॉग इन लॉग आउट का भी फंक्शन ऐड कर सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है एम्प्लॉय रजिस्टर सिस्टम में। तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये सब चीज़ें आप खुद ही इन्हेंसमेंट कर लीजिए। तो हमारा जो है पूरा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली बन गया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आई नो फ्रेंड ये जो है प्लेलिस्ट काफ़ी लंबी होगी, बट मैं चाहता था कि हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ लगे, और कोई भी आप प्रोजेक्ट जो है मेजर ऐसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।